नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू वीडियो पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये भिकार्ड कंपनी का जेट पंप है जो आज इसको फिटिंग करने वाले हैं फुल डिटेल्स के साथ। तो जेट पंप के साथ दोस्तों टोटल 22 पीस पाइप लगेगा, जो 1 इंची और 1.25 इंची दोनों पाइप है, थ्रेड पाइप। इसके साथ कुछ फिटिंग्स है, चलिए दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये बोरिंग कैप है जो हमारा बोरिंग में लगेगा। UPVC का एल्बो है 1 इंची 1.25 इंची। इसके साथ UPVC का यूनियन भी है जो 1 इंची 1.25 इंची का है। जी हाँ दोस्तों, इसमें UPVC पाइप यूनियन भी लगेगा और GI का भी यूनियन लगेगा जो 1.25 इंची और 1 इंची है, यानी टोटल 4 यूनियन लगेगा। इसके साथ GI एल्बो है 1 इंची 1.25 इंची, UPVC का भी है और GI का है, और हमारा इसमें 2 निप्पल लगेगा। तो एक निप्पल जो बड़ा वाला है 1.25 इंची का है, और दूसरा जो है 9x1 इंची का है, ठीक है। इसके साथ सॉकेट है, 11 पीस सॉकेट है 1 इंची का, और 11 पीस सॉकेट है 1.25 इंची का। ये रहा 1.25 इंची का सॉकेट। तो 11 पीस टोटल नहीं लगेगा, 1-2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर उसमें से कोई ख़राब भी निकल जाता है। इसके साथ देखिए सुत्ता लगाएंगे, GI पेस्ट लगाएंगे, नल भी एक दिया लाया है पार्टी। इसके साथ देखिए टेफ्लॉन टेप है, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। तो जेट पंप के साथ कुछ पार्ट्स जो रहता है इसके इस डब्बा के अंदर है, जो हमारा बोरिंग के अंदर जाएगा। जेट पंप यानी जेट जो रहता है बोरिंग के अंदर जाएगा, और पंप हमारा ऊपर रहेगा जो मशीन रहता है। तो चलिए इसको इसमें फिटिंग करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा पंप में फिटिंग होगा, और ये जो है ब्लैक कलर का चोंगा टाइप का है जो जेट में फिटिंग होगा, और ये हमारा जेट हो गया। देखिए इसमें बीच में छोटा सा एक होल दिया हुआ रहता है, जिसके थ्रू से पानी हमारा आता है पंप में। तो ये चोंगा जो है, चिलम भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, चिलम टाइप का है, बीच में होल है, बस वही होल के सहायता से ही पानी हमारा बाहर निकलता है। तो दोस्तों जब भी इसको फिटिंग करें तो हल्का सा टेप लगा लें, उसके बाद इस जेट में इसको फिटिंग करें, जो हमारा यहाँ पर 1.25 इंची का 80 पाइप इसमें कनेक्ट होगा। 1.25 इंची का 80 पाइप जो इसमें कनेक्ट होगा, उसमें पानी हमारा आता है, और 1 इंची का पाइप इसमें प्रेशर को ढकलता है। तो इससे पहले पानी डाल के चेक कर लेते हैं, ताकि हमारा कोई तरह का लीकेज ना हो, दोबारा खोलना ना पड़े। आज जो फिटिंग करेंगे दोस्तों, कुछ अलग तरीके से फिटिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा देखिए वाइस है जो पाइप को पकड़ने वाला रहता है, तो इसमें टाइट फिटिंग कर लिए हैं। और ये देखिए, इसमें ना ही सुत्ता लगाए हैं और ना ही GI पेस्ट लगाए हैं, ओनली टेफ्लॉन टेप लगा दिए हैं, और इसके साथ देखिए हल्का सा ऊपर से पेस्ट लगा दिए हैं, अंदर से नहीं दिए हैं, ठीक है। और इसमें जेट में इसको फिटिंग कर दे रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी खोले कोई भी मिस्त्री तो आसानी से खुल जाए, बशर्ते लीकेज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से 1 इंची का पाइप भी इसमें कनेक्ट कर लेंगे टेफ्लॉन टेप लगा के। इसमें ना ही सुता दिए हैं और ना ही अंदर से इसमें पेस्ट डाले हैं। सेम उसी तरह से जितना भी इसमें जो सॉकेट लगाएंगे दोस्तों, पाइप फिटिंग करेंगे, तो ना ही इसमें सुता डालेंगे, पेस्ट लगाएंगे, हल्का हल्का लगाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमेशा हम इसमें जेट में मच्छरदानी लगा देते हैं, कोई भी तरह का नेट अगर आपके पास रहे तो ज़रूर लगा दें, ताकि इससे क्या होता है, कभी भी ईयर का प्रॉब्लम ना हो। ईयर कैसे आता है, जैसे कि जब भी मोटर चलता है, अगर कंकड़ वगैरह खींच ले तो स्प्रिंग में कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिक कभी कभी मतलब फंस जाता है, जिसके चलते से पानी सब गिर जाता है, जो फिर ईयर घिस लेता है। तो इसमें हमारा वाइस है, वाइस के द्वारा से इसको लटकाएंगे इस तरह से, ये हमारा पाइप इस तरह से रुक जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, जो सॉकेट हमारा है देख सकते हैं, इसमें पहले से सॉकेट नहीं लगाए थे, साथ साथ में ये सब काम करते जा रहे हैं। इसमें एक एक करके पाइप डालेंगे, एक एक करके सॉकेट फिटिंग करेंगे, और इसमें जैसे जैसे सॉकेट फिटिंग करेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट को लेप कर देंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से कोई भी छोटा सा लकड़ी ले लीजिए, कोई भी चीज़, हल्का हल्का पेस्ट लगाएंगे और इसको फिर टाइट करते जाएंगे। आज जो सिस्टम कर रहे हैं दोस्तों, कुछ रिक्सी वाला चीज़ है, इस तरह से लगा के देखते हैं, अगर लीक हो जाएगा तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, क्योंकि पूरा पाइप फिर खोलना पड़ जाएगा। इसलिए एक बार आप लोग के लिए चलिए देखते हैं कि हमारा इस तरह से लीकेज होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होगा तो सक्सेस। फुल टाइट करेंगे दोस्तों, जितना हमारा रेंज से टाइट हो जाए, और इसी तरह से पूरा पाइप डालेंगे। टोटल हमारा इसमें दोस्तों 10 पीस, यानी कि 1.25 इंची का पाइप जो है 10 पीस लगेगा, और 1 इंची का पाइप जो है 10 पीस लगेगा, यानी कि टोटल हो गया 100 फीट।
100 फीट हमारा जेट नीचे जाएगा। टोटल हमारा इसमें 11-11 पाइप पार्टी खरीद के लाया है, तो एक एक पाइप जो है बाहर ऊपर लगेगा, जहां हमारा मोटर जो लगेगा उसके पास लगने के लिए एक पाइप लगता है। तो जब भी अगर अपने घर में लगाएं, अगर 100 फीट लगाते हैं तो 110 फीट लेके चलना पड़ेगा। अगर पाइप जब जैसे कि बोरिंग आपका दूर है जेट पंप से, तो और लंबा उसके अनुसार लेना पड़ता है। अगर 110 फीट नीचे डालेंगे तो फिर 12 पीस लेना पड़ता है। इसके अनुसार से अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी सामान ले सकते हैं। और जेट पंप लगाने में कितना खर्चा जाता है दोस्तों, उसका फुल डिटेल्स भी हम एक वीडियो बना के डाल देंगे, हम आप लोग देख सकते हैं कितना खर्चा जाता है। तो इस तरह से पूरा पाइप डालेंगे दोस्तों, पूरा फिटिंग करेंगे। तो हमारा इसमें टोटल 10 पाइप कंप्लीट हो गया है, 10 × 20 पाइप, 100 फीट नीचे चल गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पाइप नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 2 पाइप बचा हुआ है जो 1 इंची और 1.25 इंची का है। अब लास्ट में इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों कि देख सकते हैं, इसमें हल्का सा सूता लगा ले रहे हैं क्योंकि सबसे ऊपर का भाग है। सूता लगा के इसमें फिर पेस्ट लगाएंगे, और पेस्ट लगा के फिर इसमें जी एल्बो लगाएंगे। उसके पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एक हमारा पाइप जो है छोटा है, 1.25 इंची के पाइप जो है बड़ा है, और 1 इंची का पाइप हमारा छोटा है। तो दोनों को लेवल में करने के लिए एक इसमें छोटा सा निपल लगाना होगा। उसके लिए देखिए इसमें एक इंची का जो है सॉकेट लगा दे रहे हैं। सॉकेट लगा के फिर इसमें 1 बाय 4 इंची का एक इसमें निपल लगा दे रहे हैं जीआई का। तो इसमें भी हमारा सूता लगेगा, जीआई पेस्ट लगेगा, ताकि एक जरा सा लीकेज ना हो यहाँ पर, क्योंकि हमारा GI to GI इसमें पूरा कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें सूता के साथ इसमें कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा आप देख सकते हैं दोनों पाइप जो है एक लेवल में आ गया है। अब इसमें फिर से सूता लगा लेंगे, उसके बाद इसमें जीआई एल्बो लगाएंगे। जीआई एल्बो जो है दोस्तों 1 इंची का लगेगा और 1.25 इंची का लगेगा। उसके बाद जो आप लोग को पहले शुरुआत में दिखाए थे 2 निपल, जो 1 12 इंची का था और 1 9 इंची का था, उसमें दोस्तों ना ही जीआई पेस्ट लगाएंगे और ना ही सूता लगाएंगे, उसमें सिर्फ टेपलोंग टेप लगाएंगे, ताकि कोई भी तरह के भविष्य में, भविष्य देखिए मशीन कोई भी चीज़ है रहे, ख़राब तो होना ही है, आज नहीं तो कल ख़राब तो होना ही है। तो खोलने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए से यहाँ पर टेपलोंग टेप ही लगा दे रहे हैं। भूल से भी कभी यहाँ पर पेस्ट या होल्ड टाइट कोई भी पार्ट जो रहता है टाइट करने वाला, उसको ना लगाएं। अगर उसको लगा दें तो फिर क्या है, खोलने में आपका पाइप टूटने का क्या बोलते हैं उसको, खतरा बढ़ जाता है। तो कभी भी आप इस नेपल को लगाएं तो यहाँ पर टेफ्लॉन टेप लगाएं। हाँ, इसके बाद जो हमारा यूनियन इसमें जो फिटिंग होगा, दोनों में हमारा यूनियन फिटिंग होगा, ताकि पाइप को खोलने के लिए उसको लगाया जाता है। तो हमारा वहाँ पर क्या होगा, देखिए सूता लगा ले रहे हैं वहाँ पर, फिर पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पर यूनियन लगाएंगे। उधर हमारा जितना भी रहेगा पेस्ट के साथ ही फिटिंग होगा, सिर्फ जीआई एल्बो के पास जो कनेक्ट हुआ है टेफ्लॉन टेप ही लगा है। तो इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, अब दोनों में यूनियन लगा लेंगे। देखिए एक हमारा 1.25 इंची का यूनियन है, इस तरह से इसमें फिटिंग कर लिए हैं, फुल टाइट कर लेंगे दोस्तों। रेंच से भी इसको टाइट करेंगे, पहले हाथ से जहाँ तक होता है कर लेते हैं, उसके बाद रेंच से ही कसते हैं। तो पूरा रेंज से भी पूरा टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पाइप जो है से ऊपर है, टूटने का डर है, इसको नीचे बिठा लेंगे उसके बाद करेंगे। और हमारा अब इसमें बारी आएगा बोरिंग कैप लगाने का, बोरिंग कैप लगा देंगे। तो बोरिंग कैप लगाने का बहुत आसान तरीका दोस्तों, 2 पार्ट्स में रहता है, नट बोल्ट रहता है उसमें, दोनों नट बोल्ट को खोलिए और लगा लीजिए, आराम से लग जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से हमारा इसमें 100 फीट जेट चला गया है। तो अब इसमें क्या हुआ कि दोस्तों, जैसे कि मिट्टी को इसलिए निकालना पड़ रहा है कि हमारा देखिए पाइप जो है ज़मीन से थोड़ा ऊपर हो गया है, तो केसिंग पाइप जो बोरिंग का है उसको 3 इंच काट लेंगे, उसके लिए कोड़ना पड़ रहा है। तो उधर मेरा साथी काट रहा है, तब तक देखिए अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा पैकिंग रहता है, ये जो हमारा पंप जो है ना, जिसमें पाइप जो मेरा कनेक्ट होगा 1 इंची का, 1.25 इंची का, दोनों पाइप और दोनों थ्रेड पाइप ही कनेक्ट होगा, तो इसमें पैकिंग रहता है, वाशर के साथ रहता है। तो इसको काट के पूरा निकाल लेना पड़ता है। चलिए दिखाते हैं, दिखा देंगे कि कैसा पैकिंग रहता है इसमें, क्योंकि इसका आउटलेट का जो है वहाँ पर भी पैकिंग है, तो किस तरह रहता है उसमें खुला हुआ है दिखा देंगे। तो इसमें टुकड़ा सा पाइप ले लिए हैं 1.25 इंची का, देख सकते हैं। तो देखिए हम इसमें इस तरह से इसमें पैकिंग रहता है, देखिए। तो सबसे पाइप को फिटिंग करने से पहले इस आउटलेट को फिटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये पाइप जो है
टाइट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कोई भी तरह फंसाने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको पहले इसमें लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि एक स्टॉप आ जाएगा इसमें, ताकि हमारा ये पंप इधर उधर हिले नहीं। उसके बाद इसको पाइप में इसमें टाइट कर लेंगे। तो इसमें 17-18 नंबर का आप पाना से आप इसको टाइट कर सकते हैं बोल्ट को, देखिए इस तरह से। अब इसमें क्या है, रेंच से टाइट करने में आसानी हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो 1 फीट का पाइप इसमें लगा हुआ है 1/4 इंची का, और इसमें जो अगर 1 इंची का पाइप जो लगाएंगे, इससे 4 इंची छोटा रहेगा, 4 इंची या 3 इंची छोटा रख सकते हैं। देखिए हमारा एक पाइप छोटा है और दूसरा पाइप बड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 यूनियन लगेगा, एक हमारा 1/4 इंची का लग रहा है देख सकते हैं, और एक हमारा 1 इंची का लग रहा है। दोनों एक जगह में लगाते तो हमारा क्या टच हो जाता, खोलने में लगाने में दिक्कत हो जाता, इसलिए ऊपर नीचे कर दिए हैं। अब बाकी इसमें 2 टुकड़ा पाइप और लगाएंगे, 1 इंची का और 1/4 इंची का, जो हमारा दोनों बराबर रहेगा देख सकते हैं। देखिए दोनों बराबर हो गया मेरा, आउट के पास देखिए पूरा लास्ट छोरा में दोनों बराबर है। अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पर एक टुकड़ा पाइप लग रहा है, देखिए यूनियन में कस लिए थे थ्रेड पाइप जो बचा हुआ था टुकड़ा में, तो आधा पार्ट्स यूनियन जो है पाइप में कनेक्ट हुआ और आधा पार्ट्स निप्पल में कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो 1/4 इंची का पाइप कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर 1/4 इंची का UPVC एल्बो लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी देखिए GI एल्बो वहाँ पर बोरिंग में लगाए थे, अभी यहाँ पर UPVC का एल्बो लगा दिए यहाँ पर 1/4 इंची का, सेम उसी तरह से 1 इंची का भी लगेगा। और यूनियन में दोस्तों हमारा छोटा सा वाशर रहता है, तो भूल से भी कभी उसको भुलाए नहीं, अगर भुला जाएगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एयर ले लेगा, अगर हवा ले लिया तो फिर पानी नहीं उठाएगा मशीन। इसलिए याद रखें, छोटा सा पार्ट्स है लेकिन उसको हमेशा ध्यान से रखना है, ध्यान से इसको लगाना है, टाइट रखना है। तो इसमें भी हमारा देखिए 1 इंची का एल्बो इसमें भी लगेगा, और दोनों का डिस्टेंस जो है ना दोस्तों 4.5 इंची का डिस्टेंस रहना चाहिए, तभी इसमें हमारा पाइप दोनों कनेक्ट होगा मशीन का। देखिए ये दोनों पाइप जो है उसमें उस तरह से डायरेक्ट ऊपर से इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें देखिए इस तरह से सोल्यूशन लगा लिए हैं। ये हमारा CPVC का सॉल्वेंट है, आप UPVC का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CPVC का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कनेक्ट कर लेंगे। अब इसमें क्या है, कभी भी अगर मोटर हमारा ख़राब हो तो इस यूनियन के द्वारा से पार्टी अपना खोल सकता है, मोटर को जाके बुला सकता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा खोलने में। और ऐसे में हमारे एक सब्सक्राइबर साथी के लिए बहुत ही डिमांड था कि यूनियन लगाइए, तो यूनियन हम लगा दिए इस बार। तो इस तरह से फिटिंग पूरा होता है दोस्तों, पूरा डिटेल्स आप लोग को बता दिए कैसे हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन जहाँ लगा हुआ था फिर से खोल लिए हैं, और खोलने के बाद इसमें क्या पानी हम पूरा भर ले रहे हैं। आप चाहे तो मोटर से भी भर सकते हैं पानी, वहाँ पर भी रहता है पानी भरने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि मेरा आसानी से यहाँ पर भरा गया, जल्दी तुरंत भरा गया। अगर मोटर के पास हम भर रहते तो मेरा बहुत टाइम जाता, तो आसानी से यहाँ खोलने का सिस्टम जब है ही तो खोल लिए और फिर इसको लगा दे रहे हैं इसमें, ताकि पार्टी भी देख ले किस तरह खोला जाता है। अब थोड़ा सा पानी और लेगा हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप 18-19 नंबर के पाना से आप इसको खोल सकते हैं। यही जो नट खोल रहा है उसमें पानी भरने का ही जगह रहता है, तो हमारा थोड़ा सा पाइप जो गैप था उसमें पानी भर लिए यूनियन के ऊपर तक। अब इसको चलिए स्टार्ट करेंगे। Gracias.